नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस इंडिया। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर नजर। बागी की बगावत ने बढ़ा दी मुश्किल, दो टुकड़ों में बट गई सपा। धानेपुर गोंडा से सियासी लड़ाई में सत्ता का मोह और अपनों से बगावत राजनीति का मूल स्वभाव है और यही स्वभाव धानेपुर की नगर पंचायत में देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ पार्टी का प्रेशर है तो दूसरी तरफ दिग्गज सपाइयों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। समाजवादी पार्टी ने एक बार शाहिद अली सिद्दीकी की पत्नी आसमा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। तब ये माना जा रहा था कि निकटतम प्रतिद्वंदी से कांटे की टक्कर होगी, लेकिन पार्टी ने फेरबदल करके अपरिपक्व उम्मीदवार शहान अख्तर रायनी की पत्नी सलीका खान को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस फेरबदल से समाजवादी पार्टी में दो बार महनौन की विधायक रही श्रीमती नंदिता शुक्ला के परिवार की नाराजगी साफ देखने को मिली। इसका कारण सपा से टिकट के लिए शाहिद अली की पैरवी किया जाना और फिर प्रत्याशी का बदला जाना है, जिसके चलते शुक्ला परिवार ने इस चुनाव से दूरी बना ली, जिसकी भरपाई के लिए जिले के बड़े दिग्गज नेताओं को सपा प्रत्याशी के समर्थन में उतरना पड़ा। पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह के राजनीतिक वारिस सूरज सिंह, मसूद आलम खां, बाबू रामपाल की पुत्रवधू प्रतिभा सिंह व पौत्र विष्णु प्रताप सिंह ने सपा प्रत्याशी के लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया है। धानेपुर में जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटन के मौके पर प्रतिभा सिंह ने मुस्लिम वोटों पर फोकस किया और बाकी जातियों के वोटों पर उन्होंने विश्वास नहीं जताया। सूरज सिंह और मसूद आलम खां भी उसी समीकरण पर टिके रहे। दूसरी तरफ बगावत की दुदुम्बी बजा चुके शाहिद अली ने निर्दलीय राह पकड़ ली और सपा के ही खेमे को कमजोर करने के लिए कुटिल नीति अपना ली है। माना जाता है कि इन दोनों की आपसी लड़ाई में कद्दावर राजनीतिक परिवार की दूरी के कारण दो टुकड़ों में बढ़ चुकी समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। समाजवादी पार्टी से दो बार विधायक रही श्रीमती नंदिता शुक्ला ने कहा कि टिकट में फेरबदल किए जाने का निर्णय पार्टी का है, जनता जागरूक है, जो बेहतर है उसी का चुनाव करके चेयरमैन बनाएगी, परिणाम जो भी हो जनादेश मानकर स्वीकार करना पड़ेगा। उसका एक अगर वो पीठ पे मार खाता है तो उसको बचाने के लिए अखिलेश यादव खड़े हैं, पर जो निर्दलीय का नेता रहा आपके बीच में आपको फटका रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, आप उसका कभी भी सम्मान मत करिए और कभी भी उसको एक वोट अपना इधर उधर मत बहाइए, क्योंकि कभी भी मुस्लिमों पे अत्याचार हुआ है, कभी भी किसी भी पार्टी लोगों पे अत्याचार हुआ है, तो उसके चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मुस्लिम हो, उसपे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का ही अधिकार।